हाय अभिमन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। जस्ट मोमेंट रुकेंगे, बस थोड़ी सी इसमें साइटिंग कर लेते हैं जिसमें से जस्ट बिल्कुल अब आपके सामने हैं हम। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है। बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए कि यदि आप 2022 में पेपर देने वाले हैं और आप हैं बीए सेकेंड ईयर में और एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है, जिसे हम शिक्षा शास्त्र का प्रथम पेपर कहते हैं, शिक्षा शास्त्र का प्रथम पेपर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। एग्जाम 2022 में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आप याद करके कितने ला सकते हो, मैं आपसे वादा करता हूं, यहां से 85% मतलब कि 85% टोटल आपको यहां से देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और एग्जाम से दो दिन पहले यूपी की आल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, दो दिन पहले केवल 10 क्वेश्चन दूंगा और 10 क्वेश्चनों को पढ़ लेना। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग डाल दूंगा, हर यूनिवर्सिटी के लिए 10 क्वेश्चन जो डालूंगा वो अलग अलग डालूंगा, बाकी जो सेम है बात सारे क्वेश्चन वो सेम ही रहेंगे। और जो इतनी यूपी की आल, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, मेरठ हो गई, कानपुर हो गई, ठीक है, एमजेपीआरयू रोहतक बरेली हो गई, और बनारस यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, ठीक है, बल्लिया यूनिवर्सिटी, और आप कह सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, जितने भी हैं आप देख रहे हैं। तो उनके लिए ये सब जो क्वेश्चन है जो आपको इसमें वीडियो बताऊंगा, जो लगभग लगभग जो है 18 से 19 क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, सभी यूनिवर्सिटी वाले पढ़ेंगे। और जो 2 दिन पहले बताऊंगा 10 क्वेश्चन, वो उनको बताऊंगा जो बिल्कुल सेम टू सेम अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो क्या होगा, वो अलग अलग वीडियो डालेंगे 10 क्वेश्चनों की, लेकिन वो एग्जाम से पहले 2 दिन पहले डालेंगे, हर पेपर के 2 दिन पहले आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल और है जिसका लिंक है, जिसका नाम है बीए पेपर हैकर, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो, वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी प्रोवाइड होती है सारी, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 85% दिला के रहूंगा और आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, ये बता रहा हूं मैं, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फेल करने वाला आपको पैदा नहीं है, यदि आप, मैं जो बता रहा हूं, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है आपके पास उस पर टिक लगा लो, यदि नहीं है नोट्स गैस पेपर वगैरह कुछ भी, तो मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि वो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही साथ हमने एप्लीकेशन बना ली है, ऐप बना रखे हैं, जिसका आप प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली सारे नोट्स के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने वीडियो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इनकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, यहां बात करने वाले हैं बीए सेकंड के एजुकेशन के फर्स्ट पेपर के, मतलब की शिक्षा शास्त्र का प्रथम पेपर है, ठीक है, बीए सेकंड ईयर वालों का और सेमेस्टर वालों का, सबका मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। देखो यहां देखिए बात करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे आप सभी लोग, पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है आप सभी लोग बताएंगे। साथ ही साथ यहां बोला गया प्रकृति और उपयोगिता और विधि और उनका निरीक्षण पद्धति के गुण आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसकी प्रकृति के बारे में आपको बता देना है, उनका यूज कहां किया जाता है, ठीक है, उपयोगिता के बारे में और उनकी विधियां कितनी है, और साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है निरक्षर, जो निरक्षर पद्धति होती है उसके गुण क्या होता है, निरक्षर पद्धति का गुण, इतना आप याद करेंगे, एक क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में है बहुत उपयोगी क्वेश्चन बता रहा हूं, यह है सीखने से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे मोस्ट का लगाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीखने के नियम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं अधिगम के नाम से भी जानते हैं, क्या अधिगम, अधिगम या सिर्फ सीखने से आप क्या समझते हैं, मतलब सीखने क्या, सीखना क्या होता है, सीखने के नियम, उनके कारक क्या होते हैं, यहाँ पे आप करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, याद रख लेना मेरी बात को, ठीक है। सभी वीडियो को शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएंगे आप सभी लोग, ठीक है, एक दिन के लिए कह रहा हूं, ज्यादा दिन के लिए नहीं कह रहा हूं, एक दिन के लिए आप सभी करेंगे, ठीक है। और देखो यहां बोला गया है जो थर्नडाइक है उसका प्रयास के बारे में और उनकी त्रुटि सिद्धांत के बारे में, उनके गुण दोष और उसके साथ में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इसको भी उसके त्रुटि सिद्धांत और प्रयास क्या है, थर्नडाइक थे उनके प्रयास क्या रहे, उनके सिद्धांत की त्रुटि क्या रही है, त्रुटि के मतलब है क्या कमी रही उस सिद्धांत में, वो देखेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से याद करेंगे, इसको रट लेना है इन क्वेश्चनों को, यहां से कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा, देखो देखो अभिप्रेरणा जो अधिगम होता है, मतलब सीखने वाला अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य है, इनके महत्व बताओ, ये क्वेश्चन देख लेना है। देखो हमने अभी बताया था अधिगमन का ऊपर का मतलब होता है सीखना, किसी चीज को सीखना अधिगम कहलाता है, ठीक है। यहां बोला गया है देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अर्थ है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अर्थ है, उसके कारण बताओ और उनके महत्व बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती है
उनका क्या अर्थ होता है, उनकी परिभाषा क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नता की, उनका कारण क्या है, किस कारण से वो भिन्न होते हैं, उनके महत्व क्या है, यदि वो भिन्न होते हैं तो उसका कुछ कारण तो होगा इसलिए भिन्न होते हैं। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर हम आपको कराएंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां बोला गया है बुद्धि, आप जानते हैं बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब देखो बुद्धि मतलब क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, बुद्धि कहते हैं ना, तेरे अंदर बुद्धि कम है, ऐसे कहते हैं ना, दिमाग कम है, तो वही बोला गया है कि बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, उसकी विशेषताएं, उनको उपयोगिता, उनके महत्व के बारे में आपको बता देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, टिक लगा लेना अपने बुक नोट्स गैस पेपर पर, नहीं है तुम्हारे नोट्स को डाउनलोड कर लेना। यहां देखो बोला गया है व्यक्तिगत क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उनके सिद्धांत, उनकी विशेषताएं, ठीक है, और उनके अनुवंशिक कारक क्या है, ठीक है। तो व्यक्तित्व जो है वो क्या होता है, व्यक्तित्व उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, और साथ ही साथ उनके अनुवंशिक कारक कौन से हैं, आप इतना याद करेंगे, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक, अनुवंशिक कारक वही लगा देना। यहां बोला गया है देखो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या है, देखो मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका अर्थ क्या होता है, साथ ही साथ उनकी विशेषताओं को याद कर लेना है। एक यहां से क्वेश्चन और बन जाता है जिसे कहते हैं विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, उनके महत्व, उनके वर्गीकरण के बारे में। देखो विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है, एक इंटेलिजेंट बालक कह सकते हैं, ठीक है, जो विशिष्ट है, सबसे विशिष्ट है, इस प्रकार से। तो ये अच्छी तरीके से आप देख लेंगे, एक बार इनको हम आपको पढ़ा देंगे, एक बार आपको दिखा देंगे, बस आपको ऐसे कहोगे बिल्कुल चुटकियों में हर क्वेश्चन को याद कर लोगे, मतलब कि बना बना के लिख के आ जाओ, मतलब एक बार आप पढ़ लोगे ना तो बना बना के करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कॉपी को छोड़ना नहीं है खाली, बस पूरा भर के आना है, कुछ हो जाए उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लगा दो टिक। वो है शिक्षा में जो पिछड़े बालक होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आपसे पीछे भी बालक होंगे जो फेल हो जाते हैं, बहुत सारी बात है, तो उनके पिछड़े बालक की बात की जा रही है, शिक्षा में पिछड़े बालक की विशेषता क्या होती है, उनके पिछड़ेपन का प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार से वो पिछड़ेपन हो सकते हैं, ठीक है। तो पिछड़ेपन वो किस प्रकार से हो सकते हैं, वो पिछड़े कि भाई पढ़ाई नहीं कर रहे, बहुत सारी बातें हैं, तो वो आप पढ़ेंगे एक बार में, हम आपको सबको दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सृजन, देखो यहां बोला गया सृजनात्मक बालक की विशेषता और उनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे, तो आप ये देख लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन पर टिक लगा लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाओ बेटा। यहां बोला गया है देखो मनोविज्ञान क्या होती है, मैं ऊपर भी बता चुका हूं मनोविज्ञान के बारे में, ये शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में है शिक्षा और मनोविज्ञान में अंतर क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर, सॉरी, ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। यहां बोला गया है मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान होता है और शिक्षा मनोविज्ञान, इन दोनों में अंतर क्या होता है बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है और मनोविज्ञान क्या होती है, दोनों में आपको अंतर हम करा देंगे, उनके महत्व क्या होते हैं, महत्व देख लेंगे, महत्व मतलब विशेषता, इंपोर्टेंट चीज क्या चीज है उसमें, वो चीज। यहां बोला गया है आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण जो विधि है, आत्मनिरीक्षण विधि, मैंने ऊपर आपको विधि याद करने के लिए बताई थी, सबसे पहला जो क्वेश्चन बताया था वही मैंने कही निरीक्षण विधि याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वही हमसे पूछा है आत्मनिरीक्षण विधि क्या होती है, जीवन इतिहास विधि का गुण बताइए, जीवन इतिहास विधि क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, तो आत्मनिरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि बहुत इंपोर्टेंट है, हम सब करा देंगे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं एक एक क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा। बस पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बीए पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, फटाक से करो बेटा इसको, देखो यहां बोला और टिक लगाते रहो। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है योगात्मक विधि, देखो हमें देखो जीवन इतिहास, आत्मनिरीक्षण और हम यहां बोलेंगे योगात्मक विधि, योगात्मक विधि भी देख लेंगे, लाभ गुण। अब देखो सीखना क्या होता है, और यहां बोला गया है, यहां बोला देखो सीखना एक है, ठीक है, यहां लिखा हुआ देखो सीखना एक क्या है, अनुवर्तन प्रक्रिया है, क्या है बेटा, अनुवर्तन प्रतिक्रिया है, सीखना एक अनुवर्तन प्रतिक्रिया है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये आप टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तत्परता, देखो तत्परता का नियम क्या होता है, उसका उपयोग के बारे में, और थर्ड डाइक का मैंने ऊपर वाला बताया था, थर्ड डाइक के बारे में नियम क्या होता है सिद्धि, और उसके टोटी सिद्धि के बारे में, टोटी सिद्धांत जिसे बोलते हैं, तो थर्ड डाइक का जो था उसके बिल्ली का प्रयोग उसने किया था, बिल्ली के ऊपर थर्ड डाइक ने, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखो व्यक्तित्व भिन्नताओं का अर्थ क्या होता है, उनके महत्व, उनके प्रकार के बारे में देख लेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहां बोला गया है बुद्धि में, बुद्धि के एक खंडीय और द्विखंडीय सिद्धांत के बारे में देख लेंगे, बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत और द्विखंडीय सिद्धांत, और बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, इस पर टिक लगा लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि लब्धि, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देखो मानसिक आयु के बारे में, मानसिक आयु क्या होती है,
ठीक है, और संवेगनात्मक जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, अंतमुखी और बहुमुखी। व्यक्तियों की विशेषता हम किस प्रकार से करेंगे, मतलब अंतमुखी बहुमुखी में अंतर भी पूछ सकता है, और व्यक्तियों में विशेषता क्या है, उनकी विशेषता क्या होती है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की अर्थ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट में लगा लेना इसको, प्रतिभाशाली व्यक्ति की अर्थ क्या होता है, पहचान किस प्रकार से करते हैं हम लोग। ठीक है, सृजनशील बालक ये मैंने ऊपर बता चुका हूं, तो इसको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां कह रहा है पिछड़ेपन और मंद बुद्धि वाले बालक में अंतर किस प्रकार से करेंगे, मंद बुद्धि वाला बालक और पिछड़ेपन वाला बालक आप किस प्रकार से उसमें अंतर देख सकते हैं, अंतर क्या होगा, हमें ये क्वेश्चन देखना है बस, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं पढ़ना है इस पेपर में, और कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम 2022 की बात कर रहा हूं, 2022 में हमें अब और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतने क्वेश्चन को देखकर हम 85% लेके आएंगे, हम 85% पे लेके आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सभी लोग क्या करेंगे बेटा, देखो पास तो आप पक्के हो, मतलब कुछ भी हो जाए आपको कॉपी को खाली नहीं रहने देना है, आपको कॉपी को खाली नहीं रहने देना, चाहे कुछ भी हो जाए आप बना बना के क्वेश्चन को करके आए, लेकिन करके आएंगे आप, करके आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं। ठीक है, और बाकी हमने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो यार। ठीक है, तो लव यू यार, दिल से सभी से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, चाहे कुछ भी हो जाए हम हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे, कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कह सकते हैं 7 into 24, समझ रहे हो ना, सातों दिन के 24 घंटे हम आपके साथ हैं हमेशा। तो कोई भी इशू आ रहा है तो एक बार हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम देते हैं। ठीक है, जैसे टाइम मिलता है, लेकिन कॉल आप कर सकते हैं जब कोई दिक्कत आ रही है तो ज्यादा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।